बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे। और आज की जो अहादीस है बहुत ही खूबसूरत सी अहादीस है, और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान में ज़िक्र अल्लाह करने वाले को बख्श दिया जाता है, और इस महीने में अल्लाह पाक से मांगने वाला महरूम नहीं रहता। तो इसलिए व्यूअर्स आप लोग भी ज़रूर मांगा करें अल्लाह ताला से। तो आज की जो रेसिपी है बड़ी मज़ेदार सी है और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, टेस्टी और यमी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। यहाँ मैंने 5 फ्रूट ले लिए हैं जिसमें सेब है, सेब मैंने और ऐड कर लिए थे बाद में, 1/2 खरबूजा है, अमरूद है, चीकू हैं और 6 अदद केले हैं। तो इन सबको मैंने अच्छे से धो लिया था, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ मैं ले लिया है एक बाउल, इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेट्रा पैक का जो जूस का डिब्बा होता है स्लाइस का, वो वाला। तो उस स्लाइस के जूस को हम इसमें ऐड कर लेंगे बाउल में। ये बहुत ही व्यूअर्स मज़ेदार चटपटी से ये फ्रूट चाट बनती है, आप लोग रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्रीमी फ्रूट चाट की मैं आप लोगों को कस्टर्ड फ्रूट चाट की रेसिपी दे चुकी हूँ, तो ये नेक्स्ट रेसिपी है, ये मेरी फेवरेट है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया है चम्मच चाट मसाले का, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने थोड़ी स्पाइसी बनाई थी तो इसलिए मैंने 1.5 चम्मच ऐड किया है, आप बेशक 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे मुनहसर है कि आप लोग कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं। यहाँ फ्रूट सारा मैंने कट कर लिया था और इसको मैंने बड़े बाउल में ऐड कर लिया था। तो अब हम जो मिक्स किया हुआ हमारा मिक्सचर है जूस का और चाट मसाले का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एक हमने इसमें सीक्रेट इन्ग्रीडियंट ऐड करना है व्यूअर्स, उससे और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ के आता है। और जूस व्यूअर्स आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड जो है वो मुझे पसंद नहीं है, ना ही मेरे बच्चों को इतनी वो पसंद है, तो इसलिए हमने जूस का सिर्फ 1 ही पैकेट ऐड किया था। आप चाहें तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो जूस है वो सारे फ्रूट में मसाला जो है वो अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाए। और ये वाला जो चम्मच है ये मैंने 1 नहीं 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था, और ये है टैंग जो है इसमें, मतलब ऑरेंज टैंग का मैंने ऐड किया था। आप चाहें तो आप कोई भी अपने फ्लेवर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है फ्रूट चाट का। तो 2 चम्मच यहाँ मैंने टैंग ऑरेंज टैंग के ऐड किए थे। तो अभी हमारी जो फ्रूट चाट है ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, यम्मी और टेस्टी स्पाइसी यहाँ बिल्कुल हो चुकी है रेडी। तो आपको पसंद आई तो आप लोग ज़रूर अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दुआ में मुझे याद कीजिएगा। ओके फिर व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। आप सबको एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक, और माशाल्लाह आज हो चुके हैं 10, रमज़ान पूरा हो जाएगा शाम तक। ओके फिर व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।